देखिए नेक्स्ट पार्ट बिल ऑफ एक्सचेंज का। बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने क्वेश्चन कर लिए थे, चार पांच क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे इसके। ठीक है, इंसॉल्वेंसी हमने डिस्कस नहीं किया था, आज का टॉपिक है इंसॉल्वेंसी। ठीक है ना, इंसॉल्वेंसी करते हैं फिर अकोमोडेशन बिल भी करेंगे। इंसॉल्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं इंसॉल्वेंसी बिल ऑफ एक्सचेंज में किस तरह से काम आएगी। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पर्सन मींस दैट इज ही इज अनेबल टू पे हिज लायबिलिटी। अगर कोई पर्सन अपनी लायबिलिटी, अपने जो भी उसके ऊपर लायबिलिटी है वो पे नहीं कर पाता, उसके पास पैसे नहीं है पे करने के लिए, प्राइवेट एसेट्स भी नहीं है, तो क्या मान लिया जाएगा, इंसॉल्वेंट मान लिया जाता है। दिस मींस द बिल एक्सेप्टेड बाय हिम विल बी डिसऑनर्ड हो गया। देयरफॉर व्हेन इट इज नोन दैट अ पर्सन हैज बिकम इंसॉल्वेंट, एंट्री क्या करनी है, डिसऑनर्ड की एंट्री हमें डिसऑनर्ड वाली ही करनी है। हाफ इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी पास, लेटर ऑन समथिंग मे बी रिसीव। अगर कुछ रिसीव हो जाएगा अगर बाद में उससे, तो उसको रिसीव करने की एंट्री भी कर देंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मुझे डिसऑनर्ड की एंट्री करनी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था क्या, डेबिट वाला, मिस्टर डेबिट ड्रॉ टू बिल्स लास्ट क्लास में। अच्छा, ये कर लिया था, ठीक है, फिर इसमें इंसॉल्वेंसी का केस हो गया फिर। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, मैं एक बार याद दिला देता हूँ। एक BR1 था, एक BR2 था। BR1 उसने रिन्यू कराया था टाइम से पहले इंटरेस्ट के साथ, तो रिन्यू कराने के बाद नया बिल बनाया था इन्होंने 6,180 रुपए का, और सेकंड बिल इन्होंने टाइम से पहले दे दिया था, तो उस पर डिस्काउंट मिल गया था, रिबेट मिल गई ये बोल सकते हैं। फिर सेकंड बिल्स भी डिसऑनर्ड कर दिया था हमने, और उसने 50% पैसे दिए थे, 50% बैड डेट्स हो गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था, तो ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर अकोमोडेशन ही कराना है मेरे को, अकोमोडेशन देखते हैं। अकोमोडेशन का मीनिंग पता है, जब अकोमोडेशन बिल में क्या होता है, अकोमोडेशन बिल की बात करते हैं तो देखो क्या लिखा है, पहले एक बार ये देखते हैं बुक की लैंग्वेज। बिल ऑफ एक्सचेंज आर यूजली ड्रॉन टू फैसिलिटेट ट्रेड ट्रांजेक्शन, ट्रेड ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांसमिशन, ट्रेड ट्रांसमिशन है। अब ट्रेड ट्रांसमिशन है या ट्रेड ट्रांजेक्शन है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। एक्चुअल में देयर इज अ सेल और परचेज, सेल परचेज को क्लियर करने के लिए हमने क्या बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज BRBP का यूज किया। दैट इज द बिल आर मीन टू फाइनेंस एक्चुअल परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स, बट द मैकेनिज्म ऑफ बिल, बिल का मैंने यूज कर लिया, यूटिलाइज फॉर रेज फाइनेंस ऑल्सो। सपोज बॉस नीड फाइनेंस फॉर 3 मंथ, इन दैट केस He may pursue his friend Kapoor to accept his draft. उस बॉस को फाइनेंस की नीड थी, तो उसने अपने फ्रेंड को कन्विंस, ठीक है, कन्विंस किया। फ्रेंड ने फिर उसका बिल एक्सेप्ट कर लिया। अब बिल एक्सेप्ट कर लिया तो वो बॉस क्या करेगा, उस बिल को डिस्काउंट करा लेगा, बैंक से बिल को डिस्काउंट करा लेगा, बैंक से बिल को डिस्काउंट कराएगा, जो भी मनी होगी 2-3 महीने यूज कर लेगा, जितना भी टेन्योर होगा उस बिल का। तो यहां पर एक्चुअल में सेल परचेज नहीं होगी एकोमोडेशन बिल के अंदर, बट फाइनेंस की नीड है, इसलिए उन्होंने क्या करा, एक बिल बनाया और उस बिल को यूज किया फॉर फाइनेंस पर्पस के लिए। देखो आगे क्या था फिर इसमें, ठीक है, देखो ऑन 1 जुलाई, क्या हुआ, हटा दो इसको। देखो इलस्ट्रेशन 9 देखें। एक पार्टी गॉड्स है, ड्रॉ अ बिल 1,80,000 3 मंथ्स के लिए ऑन हैरी पे। हैरी पे उन्होंने क्या किया, एक बिल ड्रॉ करा, म्यूचुअल अकोमोडेशन, हैरी एक्सेप्ट कर रहा है फिर। द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज गॉड्स हैड परचेज गुड्स 181 के, तो दो पार्टी है यहाँ पर, एक ने परचेज किया एक ने सेल किया, सिंपल बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया इन्होंने। ठीक है ना,
अब 181 के, अब फिर क्या लिखा है, जॉर्ज हैड परचेज वर्थ रुपीज 181 फ्रॉम जैक, जैक से खरीदा ऑन द सेम डेट, सेम डेट पे इन्होंने 181 का जैक से परचेज किया गॉज ने। गॉज इंडोर्स हैरी एक्सेप्टेंस जैक इन फुल सेटलमेंट ऑन 1 सितंबर 2009। जैक परचेज गुड्स रुपी वर्थ रुपीज 190 फ्रॉम हैरी, जैक इंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम गॉज हैरी एंड पेड 9000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी ऑन 1 अक्टूबर 2019। हैरी परचेज द गुड्स रुपीज 2 लाख फ्रॉम गॉज, हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू गॉड्स बाई चेक। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या, यहाँ पर तीन पार्टियां हैं। चलो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इलस्ट्रेशन 9, फर्स्ट पार्टी योर जी एक बिल ड्रॉ करा 180 का, तो इसके लिए बी आर हो जाएगा 180 का। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में होगा क्या, 1,80,000 का एक बिल आया, कहां से आया ये बिल, हैरी से, हैरी के लिए बिल्स पेबल हो जाएगा 1,80,000, राइट, म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, गॉड्स हैड परचेज गुड्स, गुड्स खरीदा कितने का, 1,81,000 का गॉड्स ने, 1,81,000 का कहां से परचेज किया इन्होंने, जैक से। अगर इसने जैक से परचेज करी है तो एंट्री क्या करेगा, परचेज डेबिट टू जैक, परचेज करने की एंट्री। अब जैक को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो जैक को पेमेंट नहीं करी, यही वाला बिल गॉड्स ने इंडोर्स कर दिया, डिस्काउंट नहीं कराया, हैरी वाला किसको दे दिया, जैक को दे दिया, जो बिल ये बिल ऑफ एक्सचेंज आया था ये इंडोर्स करके किसको दे दिया, डायरेक्ट थर्ड पार्टी को दे दिया, जैक को, राइट, समझ में आया। गॉड्स ने पहले एक बिल लिया हैरी से अपने फ्रेंड से, रफ बिल एकोमोडेशन बिल, फिर परचेज करी जैक से, जैक को वही वाला बिल दे दिया 180 वाला, ठीक है, फुल सेटलमेंट में। फिर जैक ने फ्यूचर में परचेज करी किससे 190 की, हैरी से, जैक ने माल खरीदा 190 का हैरी से। अगर जैक ने परचेज करी है हैरी से 190 की, तो जैक एंट्री करेगा परचेज डेबिट टू हैरी। अब जैक को पेमेंट करनी है हैरी को, जैक ने वही बिल उठा के किसको दे दिया फिर से, हैरी को, देखो लिखा है से, जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम गॉड्स टू हैरी एंड पेड 9000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। आया समझ में, एक्चुअल में जो बिल हैरी ने बनाया था वो बिल हैरी के पास ही पहुंच गया, हैरी ने परचेज करे गुड्स कितने के, 2 लाख रुपए के फ्रॉम गॉड्स, हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू गॉड्स बाय चेक, लास्ट में तो चेक से पेमेंट कर दी वो, ये यहाँ के बाद कुछ नहीं है, इससे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी है। क्वेश्चन आ गया समझ में आपको, कुछ पूछना है क्वेश्चन में, देखिए अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखें बुक्स किसकी मांगी, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड गॉड्स। चलिए बुक्स बना लेते हैं यहाँ पर, इन्होंने दो पार्टी की बुक्स मांगी, एक काम करते हैं हम तीनों पार्टी की बुक्स बना लेते हैं, ठीक है, गॉड्स सेकंड इज हैरी, जैक की बुक्स नहीं मांगी, बट जैक की भी एंट्री हम करके देख लेंगे, ठीक है। बताओ जी सबसे पहले क्या एंट्री करें, फर्स्ट एंट्री क्या करें 1,80,000 के लिए इन द बुक्स ऑफ गॉड्स, बिल रिसीवेबल डेबिट टू हैरी, हैरी से एक बिल मिला कितने का, 1,80,000 का, हैरी क्या एंट्री करेगा, गॉड्स डेबिट टू बिल्स पेबल 1,80,000, 1,80,000 का बिल बिना किसी ट्रांजेक्शन के बिल ड्रॉ किया गया। फिर गॉड्स ने बुक्स, गॉड्स ने परचेज करी कहां से 181 की, जैक से परचेज करी इन्होंने,
परचेज करिए तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू हैरी, हैरी से परचेज करी 1,81,000 की। क्या चीज? एक मिनट, गॉडजेट परचेज बॉक्स। अच्छा जैक से परचेज किया, ठीक है एक मिनट। ओके अभी ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक, जैक से परचेज किया 181 का फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। वॉज ने इंडोर्स कर दिया हैरी वाला बिल, जो पहले से हमारे पास एक बिल था वो बिल हमने जैक को दे दिया, तो एंट्री क्या करेंगे? इंडोर्स कर दो जैक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। जिस बिल से हमने, जो बिल हमें मिला हुआ था हैरी से, वो बिल उठा के हमने किसको दे दिया? जैक को दे दिया, सेम वही बिल। जैसे मान लो कहीं से चेक आया, वो चेक मैंने किसी पार्टी को दे दिया, पेमेंट कर दी, बट 181 फुल सेटलमेंट में दिया है ना, तो डिस्काउंट भी मिलेगा हमें कुछ। देखो लिखा हुआ है गॉड्स एंडोर्स द हैरी एक्सेप्टेंस इन फुल सेटलमेंट, तो 1,81,000 देना था, बट हमारा बिल कितने का था? 1,80,000 का था, इसलिए बैलेंस विल बी डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा हमें 1,000 का, 1,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 181 देने थे, 180 का बिल दे दिया। अभी जैक क्या एंट्री करेगा? इसने सेल्स करी है गॉड्स को, गॉड्स डेबिट टू सेल्स रुपीज 1,81,000। जैक की बुक्स मांगी नहीं है बट हम बना रहे हैं। और सेकेंड एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गॉड्स, एक बिल रिसीव हुआ। अच्छा डिस्काउंट भी तो दिया है, मैं डिस्काउंट लिखना भूल गया यहाँ पे, डिस्काउंट इस बार इनकी बुक्स में तो डेबिट में आएगा टू गॉड्स। 181 लेने थे बट 1,80,000 ही मिल पाए, 1,000 का डिस्काउंट देना पड़ गया। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है? तो जो बिल गॉड्स के पास था वो जैक के पास पहुंच गया इंडोर्समेंट करके, यानी गॉड ने डिस्काउंट नहीं कराया, वो किसको दे दिया? जैक को दे दिया। ओके आगे देखें, अब जैक ने परचेज कर लिए गुड्स 190 के, किससे? हैरी से। तो जैक क्या एंट्री करेगा? अब यहां से कहानी बदल गई, जैक ने परचेज कर लिया हैरी से, परचेज अकाउंट डेबिट टू हैरी 190 की। हैरी क्या एंट्री करेगा? हैरी एंट्री करेगा जैक डेबिट टू सेल्स, जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,90,000। ठीक है, अब क्या करा जैक ने? देखो जैक ने इंडोर्स कर दिया वही वाला बिल जो गॉड से मिला था, और हैरी को पे करे 9,000 रुपए फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू। ठीक है, यानी 1,000 का डिस्काउंट यहां पर भी है, नहीं समझ? देखो हैरी को पेमेंट करी जब जैक ने, तो हैरी को पेमेंट कैसे करी? 190 की पेमेंट करनी है, 190 की पेमेंट इन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज से करी। बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का दिया? 180 का। 9,000 रुपए कैश दिए, तो 1,000 रुपए तो फिर भी रह गए, 1,000 रुपए जो फिर भी रह गए बच्चे, वो क्या है हमारा? डिस्काउंट आ जाएगा, वो ये आ जाएगा डिस्काउंट में 1,000 रुपए। अब यहां पर एंट्री देखो, एक बिल रिसीवेबल आ गया कितने का? 1,80,000 का। कैश में आ गया कुछ पैसा कितने का? कैश में 9,000 रुपए, और डिस्काउंट कितना देना पड़ा? 1,000 रुपए का। कहां से आया ये सब? जैक से। अब बताओ इसको लास्ट एंट्री में मैं क्लियर कैसे करूं? लास्ट एंट्री क्या करूं? जब बिल की ड्यू डेट आएगी उस दिन क्या एंट्री होगी ड्यू डेट पर, और किसकी बुक्स में होगी? जल्दी बताओ, बाकी सारी चीजें हो गई। ऑन द ड्यू डेट कौन एंट्री करेगा? बिल पेबल कौन करेगा और किसको देगा पैसे? कौन लेगा बीआर के पैसे?
क्या चीज? नहीं, उसने तो अपना बिल जैक को दे दिया था, उसके पास तो बिल ही नहीं है। ये देखो, एक बीआर आया, वो बीआर चला गया, फिर जैक के पास पहुंच गया बिल, जैक के पास से भी चला गया। किसके पास पहुंच गया? हैरी के पास। देखो ये रहा, और ये बिल बनाया किसने था, एक्सेप्ट किसने किया था ये वाला बिल? हैरी ने। जो ये बिल्स पेबल इसने बना के दिया था गार्ड्स को, वही बिल इसने जैक को दिया, जैक ने वही बिल हैरी को दे दिया, यानी वो बिल घूमते फिरते वापस हैरी के पास ही आ गया। खुद की एक्सेप्टेंस खुद के पास ही आ गई बीआर की फॉर्म में। बताओ एंट्री क्या करें यहां पर? कैंसिल आउट करो इस बिल्स पेबल को। कैसे एंट्री करोगे? ड्यू डेट पे। नहीं पता भाई, अपना बिल्स पेबल की पेमेंट करनी थी, वो अपने आप को तो पैसे देगा नहीं, बिल रिसीवेबल के पैसे लेने भी खुद से ही है। खुद से क्यों लेने हैं? क्योंकि ये बीआर किसके बना किसका बनाया हुआ है, एक्सेप्ट किसने कर रखा है? इसी ने तो कर रखा है। तो एंट्री करेगा ये बिल्स पेबल डेबिट, लाइबिलिटी खत्म, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, बीआर भी खत्म। बताओ किसको नहीं आया समझ में? अभी भी पहले इसने ये बिल इसको दिया था, ये बिल यहां से इंडोर्स होके जैक के पास पहुंचा, जैक से फिर हैरी के पास आ गया। तो भाई क्या एंट्री करनी पड़ेगी इसकी? बिल पेबल डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बताओ अभी भी किसी को कोई डाउट है तो जल्दी पूछो। है, अच्छा आगे भी कुछ क्वेश्चन में दे रखा था, क्या दे रखा था देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन खत्म हो गया है। आगे क्या लिखा हुआ था? आगे लिखा हुआ था 1 अक्टूबर 2019 को हैरी ने खरीदा है माल 2 लाख रुपए का गॉड से, ठीक है, और चेक से पेमेंट कर दी, ठीक है, फिर तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये लो जी, किसने खरीदा? हैरी ने। एक मिनट, लो जी देखो, अगर हैरी ने खरीदा है तो क्या एंट्री करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए की, टू गॉड्स, ₹2 लाख, ठीक है, और यहां पर क्या एंट्री करेगा गॉड्स? हैरी डेबिट टू सेल्स, नॉर्मल एंट्री। ये तो नॉर्मल एंट्री मांगी है आपसे, कुछ नहीं मांगा क्वेश्चन में। 2 लाख रुपए की पेमेंट करेगा जब ये बैंक से कर देगा, गॉड्स डेबिट टू बैंक, खत्म, और कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एंट्री 2 लाख रुपए की। यहां पर क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी 2 लाख रुपए, बस खत्म। देखो एक बार क्वेश्चन में, प्रेजेंटेशन में, ठीक है ना? किसकी बुक है ये? हैरी की बुक। सही है। सबसे पहले बिल्स पेबल दिया, फिर सेल्स करी, ठीक है, ये लास्ट वाली एंट्री। बीआर आया था जो कैंसिल करने की एंट्री, देखो बीपी डेबिट टू बीआर, ठीक है ना, सेम है। फिर ये लास्ट वाली परचेज करी 2 लाख रुपए की, पेमेंट कर दी, अच्छा ये मैंने गलत कर दिया लास्ट में, 2 लाख रुपए लिख दिया ना, 1,80,000 रुपए ये पहले वाले कट जाएंगे। देखिए ये जो पहले वाला बीआर दिया था हैरी ने जैक को, हैरी ने जो गॉड्स को बीआर दिया था वो किसी बिना ट्रांजेक्शन के दिए थे, 1,80,000 रुपए। पहले कोई सेल परचेज नहीं हुई थी, वो कौन सा बिल था? एकोमोडेशन बिल था। और बाद में हैरी ने माल खरीद लिया तो 1,80,000 रुपए वो एडजस्ट कर लेगा, तो पेमेंट कितने की करेगा? सिर्फ 20,000 रुपए की। नहीं समझ? ठीक है ना, ये ध्यान नहीं दिया कि पहले वाले पैसे भी काटने थे भाई। 20,000 रुपए तो वो पहले से ही दे रखे, 1,80,000 तो ऑलरेडी दे रखे हैं, 180 एडवांस में, दे रखा था ना एक बीआर, बीआर टू हैरी, बीआर पहले ले लिया था 81 का, तो 20,000 रुपये और मिल जाएंगे, ठीक है। बताइए जी कोई प्रॉब्लम है तो।
चलो जी देखो, अब देखो अकोमोडेशन का एक क्वेश्चन और। ये तो था बिल वहीं पे पहुंच जाना जहां से बनाया गया था। ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलिए देखो, क्वेश्चन कहता है म्यूचुअल अकोमोडेशन फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1 अप्रैल 2019 एक्स ड्रॉ अ 4 मंथ बिल। 4 मंथ का बिल है और वाई के ऊपर बनाया उसने, कितने का? 4 मंथ का, और 4,000 का भी है। ठीक है, वाई रिटर्न कर रहा है। वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस फॉर द सेम डेट। एक्स ने क्या करा लिया? डिस्काउंट करा लिया बैंक से, फ्रॉम हिज बैंकर, 6% पर एनम पे। ठीक है, और रेमिट कर दिया 50% ऑफ द प्रोसीड टू वाई। बहुत ध्यान से देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कहता है एक्स और वाई दोनों फ्रेंड है। एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल बनाया और वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्स को दे दिया। अब एक्स क्या करा लेगा? उसको डिस्काउंट करा लेगा, फिर आधे आधे पैसे दोनों यूज कर लेंगे। ऑन द ड्यू डेट पे एक्स ने पैसे नहीं दे पाया। एक्स पैसे नहीं दे पाया तो क्या करना, क्या करेगा फिर? एक्स एक्स ने एक बिल बना के दे दिया, पर एंड देयर फोर इसलिए वाई ने एक बिल ड्रॉ करा जो एक्सेप्ट किसने किया इस बार? एक्स ने किया। कितने का बिल था? 7,000 का। देखो पहले क्या हुआ, दो पार्टी है एक्स और वाई। एक्स ने उधार लिया ऐसा मान लो 4,000 रुपए का, इसने बैंक से डिस्काउंट कराया, फिर आधे पैसे वाई को दे दिए, मतलब 2,000 रुपए। अगर एक्स ने 4,000 ले लिए हैं पहले ही, तो और कितने 4,000 लिए हैं जिसमें से 2,000 लौटा दिए, तो कितने और लौटाएगा बाद में? 2,000 रुपए और लौटाने पड़ेंगे वापस। एक्स को वापस भी तो करने पड़ेंगे 4,000 रुपए, तो 2,000 तो इमीडिएट वापस कर दिए 50%। 2,000 रुपए ड्यू डेट पे वापस करने थे, तभी तो वाई पेमेंट करेगा बैंक को जब बिल क्लियर होगा। बट एक्स ने पेमेंट नहीं करी। एक्स ने कहा मैं एक बिल बना के दे देता हूँ, तुम डिस्काउंट करा लो इस बार। कितने का बिल? 7,000 रुपए का। इस बार वाई ने डिस्काउंट करा लिया, और वाई ने डिस्काउंट कराया तो कितने पैसे दिए इस बार? थोड़े से कम दिए। 7,000 का बिल डिस्काउंट कितने में हुआ? 6,600 में। आधे पैसे नहीं दिए वाई ने, एक्स को दिए सिर्फ 1,300 रुपए। कोई बात नहीं, तो 400 रुपए का डिस्काउंट चार्जेस अगर 600 रुपए पे लगा होगा तो 1,300 रुपए कितना लगेगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अब 1,300 रुपए से मिल गए तो और कितने मिलने हैं? 7,000 में से कुछ पैसे तो मिल गए, बाकी पैसे बाद में मिलेंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है ना, और पहले के देने कितने रहते थे हमारे पास? 2,000 रुपए। यानी कि दो पार्टी होंगी जो आपस में बिना किसी सेल परचेज के बिल बना लेंगी, और बिल को क्या करा लेंगे? डिस्काउंट, और पैसे यूज कर लेंगे। इन लास्ट उन अकाउंटों को क्या करना पड़ेगा? आपको सेटल तो करना ही पड़ेगा ना कि कौन किसको पैसे देगा। देखो एक बार इसको बताता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। देखें, सपोज करो दो पार्टी है, एक पार्टी एक्स है, दूसरी पार्टी वाई है। मैंने कहा भाई वाई से एक बार एक बिल बना के दे दो 10,000 रुपए का, मैं बैंक से डिस्काउंट करा लूंगा। बैंक वालों ने लिए 200 रुपए और डिस्काउंट कर दिया, तो मेरे पास कितने आए होंगे? 9,800। मैंने कहा आधे पैसे तुम यूज कर लो, 4,900 और 100 रुपए का डिस्काउंट तुम्हारा, आधे पैसे मैं यूज कर लूंगा। अगर मैं वाई के पैसे यूज कर रहा हूँ उससे बिल बनवा के, तो ये वापस भी तो करने पड़ेंगे बाद में 5,000 रुपए। आधे उसने यूज करे इसलिए उसका डिस्काउंट वो देगा भाई। अगर मैं फ्यूचर में ना दे पाऊं तो क्या बोलेंगे? मैं कहूंगा मैं एक और बिल बना देता हूँ भाई। इस बार एक्स बना देगा बिल। एक्स ने सपोज करो बिल बना दिया 20,000 रुपए का। अभी एक्स के ऊपर लाइबिलिटी है 5,000 रुपए की जो देने हैं। 10,000 में से 5,000 तो मैंने तुरंत लौटा दिया आधे पैसे। आधे मैंने बोला भाई 3 महीने बाद दूंगा, क्योंकि दोनों यूज करेंगे बिल का, तो बिल का यूज तो दोनों पार्टी करेगी ना, एक पार्टी थोड़ी करेगी। जो भी पैसा आएगा दोनों पार्टी यूज कर रही होंगी उस पैसे का। अब बिल पेबल कितने का है? 20,000 रुपए का मैंने बना के दिया, और मैंने भाई को बोला भाई बैंक से डिस्काउंट करा के लाओ। भाई गया डिस्काउंट कराने बैंक में, 400 रुपए डिस्काउंट चार्जेस लग गया, तो मिले 19,600 रुपए। उसने आधे पैसे मुझे वापस कर दिए। आधे कितने हो जाएंगे 19,600 के? 9,800 रुपए।
तो वाई के ऊपर कितने रह गए 9,800। अब देखो, अब मैं कहूंगा एक्स क्या बोलेगा, 5,000 पहले के देने हैं और 9,800 लेने हैं, तो नेट कर सकते हो ना। हमने किसी को 20,000 रुपए दे दिए, मैं 5,000 नहीं दे पाया था इसलिए मैंने कितने दे दिए 20,000, और 20,000 में से मुझे वापस कितने मिल गए 9,800। ये मैंने गलत लिख दिया, वापस मिलेंगे मुझे बाद में 10,000। 200 का डिस्काउंट तो यही बियर करेगा, मुझे तो पूरे देगा। तो 5,000 देने हैं, 10,000 लेने हैं। जो 10,000 लेने हैं उसका क्या कर लो, जो 10,000 रुपए लेने हैं तो नेट एंट्री कर लो भाई, 5,000 रुपए ले लो बस इससे। नहीं है समझ, पहले किसी से हमने 10,000 रुपए उधार लिए थे, फिर हमने उसको उधार दे दिया 20,000 रुपए, और 20 में से वापस कितने लिए तुरंत 9,800, और 200 का डिस्काउंट तुरंत वापस ले लिया, तो 10,000 बाद में लेंगे, और ऐसे ही 5,000 पहले के देने थे, तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा। इनकी एंट्री देखो कैसे करते हैं आप। किसी को कुछ पूछना है अकोमोडेशन में, थोड़ा सा टफ होगा तो ध्यान से देख लेना। चलिए देखें, पहले क्या हुआ, एक्स और वाई दो पार्टी है। एक्स ने ड्रॉ करा बिल 4,000 रुपए का वाई के ऊपर, साथ के साथ करते जाते हैं क्वेश्चन का। जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ एक्स, बस और कुछ नहीं करना। बताओ जी फर्स्ट एंट्री क्या करें इन द बुक ऑफ एक्स। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली एंट्री होगी अपनी वो बीआर आया, कहां से आया बीआर बताओ, वी आर डेबिट टू वाई, वाई से एक बी आर आया अपने पास कितने रुपए का, 4,000 रुपए का। अब हम बैंक गए इस बिल को डिस्काउंट करा लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और 6% बताना कितना आएगा डिस्काउंटिंग चार्ज, एक बार निकाल के बता दो 4,000 के ऊपर। डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्या किसी ने कैलकुलेट 4,000 का डिस्काउंट कितना बनेगा, 240 बन रहा है। ओके, अरे पूरे साल का नहीं करते भाई, ये देखो ना कितने महीने का बिल है। ये रहा, टू फोर्टी का 4/12 कर दो। ओके, अब ये देखो एक्चुअल में कोई सेल परचेज नहीं हुई है, बस यहां पर मैंने क्या करा, एक बिल बना के वाई से मंगवा लिया। इसका मतलब वाई को पैसे वापस भी तो करने पड़ेंगे बाद में, अभी आप उसके पैसे यूज कर रहे हो 4,000 रुपए बिना किसी ट्रांजेक्शंस के, तो वापस भी तो करने पड़ेंगे। इमीडिएट वापस कर दिए मैंने 50%, इमीडिएट ये देखो ये लिखा हुआ है, रेमिट कर दिया 50%, यानी तुरंत वाई को पैसे भेजो। वाई को देखो 4,000 रुपए देने हैं, लाइबिलिटी है हमारे ऊपर, क्रेडिट है, तो वाई को डेबिट करो। कितने रुपए से डेबिट करें, आधे पैसे देने हैं तो 4,000 का आधा 2,000। बैंक में कितने रुपए दोगे उसको वापस बताओ, 3920 का हाफ करना कितना आ जाएगा, 1,9,2,9,6,0, और डिस्काउंटिंग चार्ज भी दे देंगे उसको, हमारे ऊपर 80 का डिस्काउंटिंग चार्ज है ना, आधा डिस्काउंटिंग चार्ज वाई को ट्रांसफर कर देंगे, 80 का आधा कितना 40 रुपीज। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो, यहां तक एक्स ने वाई से 4,000 रुपए उधार लिए थे जिसमें से 2,000 रुपए तुरंत लौटा दिए ऐसा मान लो, अब फ्यूचर में कितने और लौटाने हैं 2,000 रुपए। मैंने वाई को बोला 2,000 तुम यूज कर रहे हो, 2,000 रुपए मैं यूज कर रहा हूँ, 3 महीने बाद वापस कर दूंगा, दोनों यूज कर लेते हैं। वाई एग्री, नो प्रॉब्लम, जब भी तो उसने बिल दिया होगा हमें। इन द ड्यू डेट एक्स ने पैसे नहीं दे पाया, देखो ये बात लिखी हुई है साफ साफ, एक्स ने डिस्काउंट करा लिया ठीक है, ऑन द ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट, तो 2,000 रुपए नहीं दे पाया, तो बताओ क्या करेगा,
भाई ने बोला कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करने पड़ेंगे, तो भाई ने एक बिल ड्रॉ कर दिया। कितने रुपए का? 7,000 रुपए का। इस बार एक्सेप्ट किसने किया? एक्स ने। बताओ क्या एंट्री करेगा सेकंड बिल की? फिर यहां कर देता हूं मैं, बताओ। वाई डेबिट टू बिल्स पेबल, पुराने बिल का भी 2,000 का हिसाब पेंडिंग है, देने हैं, लाइबिलिटी है, देने हैं। एक नया बिल बना दिया मैंने, कितने रुपए का? 7,000 रुपए का। अब ये बिल बताओ डिस्काउंट कौन कराएगा? एक्स ने इस बार एक्सेप्ट करके वाई को ट्रांसफर कर दिया बिल। डिस्काउंट कौन कराएगा? मैं बुक्स वाई की बना देता हूँ साथ में, बुक्स वाई की मांगी नहीं है वैसे। हाँ, इन द बुक ऑफ वाई, वाई ने, वाई की मैं पूरी बुक्स बना देता हूँ। देखो पहले इसने एक एक्स को दिया था, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल, पहले कितने का बिल दिया था? 4,000 का। ये वाला बिल डिस्काउंट किसने कराया? एक्स ने। फिर आधे पैसे इसने वाई को दे दिए, वाई को आधे पैसे मिल गए, तो वाई क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। आधे पैसे मतलब 1960 रुपए आए थे, कुछ डिस्काउंटिंग चार्ज भी आया था, कितने रुपए का? 40 रुपए का। कहाँ से आया था? एक्स से। एक्स से 2,000 रुपए तो तुरंत आ गए थे, 2,000 रुपए रह गए थे, तो ये तो अलग कहानी है। 2,000 वो दे नहीं पाया, पर उसने एक बीआर दिया। कितने रुपए का बीआर दिया नया वाला? एक्स ने, ठीक है। अब ये गया डिस्काउंट कराने वाई, तो वाई डिस्काउंट कराने जाएगा तो क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिट तो बी आर। तो बी आर कितने का है हमारा? 7,000 रुपये का। डिस्काउंटिंग चार्ज लगाओ उस पर, कितना आएगा? ये लो, देखो कितना आएगा यहां पर। अच्छा दिया हुआ है सीधे 6,600 रुपये बस। तो डिस्काउंटिंग चार्ज कितना हो गया बोलो? ऐसे ही पता चल गया, ठीक है। 7,000 रुपये का बिल डिस्काउंट कराने के लिए उसने कितने रुपए लिए बैंक वालों ने? 400 रुपए। हां जी, आप देखते हैं आगे। और वाई ने पैसे कितने ट्रांसफर करे? 1,300 रुपए। कोई बता सकता है 1,300 पे डिस्काउंट कितना हुआ होगा? फिर वाई ने एक्स को ट्रांसफर भी कर दिए 1,300 रुपए। एक्स डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्ज, बैंक में 1,300 रुपए ट्रांसफर करें। तो एक्स ने क्या एंट्री करी थी पहले? वाई डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है। फिर वाई से पैसे आ गए, कितने रुपए आ गए बैंक में? 1,300 रुपए आ गए। कितने आ गए बैंक में? 1,300 रुपीज आ गए। अभी हमें पुराने 2,000 देने हैं, पर 7,000 लेने भी तो हैं उससे। 7,000 रुपए हमने उसको दिए। अब किसी से मैंने 4,000 रुपए की मदद ली थी, 2,000 रुपए तुरंत लौटा दिए थे, 2,000 बाकी हैं, अब उसको अलग छोड़ दो। अब हमने उसकी मदद कर दी 7,000 रुपए की, 7,000 में से मुझे कुछ पैसे वापस दे दिए उसने तुरंत। तुरंत कितने रुपए वापस कर दिए? 1,300 रुपए। बाकी पैसे तो लेने ही है, 1,300 वापस करें तो डिस्काउंटिंग चार्ज भी तो हमें ही बियर करना पड़ेगा 1,300 का। बताओ कितना हुआ डिस्काउंटिंग चार्ज 1,300 पे? कैसे निकालोगे? अगर 6,600 के अमाउंट पे बिल का अमाउंट कितना है और डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? 400। 6,600 के अमाउंट पे देखेंगे। क्यों 66 पे देखेंगे? क्योंकि वो अमाउंट रिसीव है और 1,300 भी अमाउंट रिसीव है, इसलिए। अगर 6,600 पे 1,300 है तो बताओ, सॉरी 6,600 पे 400 है तो 1,300 पे कितना होगा? कैसे कैलकुलेट करोगे? नहीं आइडिया कैसे कैलकुलेट करा जाए? सिक्सटी
सिंपल सी बात है, 6600 पे 400 का डिस्काउंट है, तो 1300 पे कितना होना चाहिए? प्रोपोर्शनेट कर लो। देखो नॉर्मल कंसेप्ट तो आपको ये लगाना चाहिए था, एटलीस्ट 400 डिवाइडेड बाई 6600 इंटू में 1300, और क्या करना था इसमें, खत्म। सिक्सटी सिक्स हंड्रेड पे डिस्काउंट अगर 400 का आ रहा है तो 1300 पे कितना आएगा, ठीक है। बट एक बात और देखो यहां पर कुछ चीजें, पुराना वाला भी मनी तो है, 4000 में से पुरानी लाइबिलिटी कितने की हमारी, 2000 रुपए की, अभी भी हम यूज कर रहे हैं, कितने रुपए, 2000 रुपए, किसके, वाई के, तो वाई कहेगा उसका डिस्काउंटिंग चार्ज भी आप दो। इस 7000 में से अगर वाई बोले 1300 रुपए तो मैं दे रहा हूं आपको, और 2000 रुपए आपने पहले से ही रख रखे हैं हमारे, 2000 रुपए आपने पहले से भी तो रख रखे हैं, तो ऐसे निकालना 400 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्ज कितने पे था, 6600 पे। तो अभी हम कितने रुपए दे रहे हैं, 1300 रुपए तो दे रहे हैं, और आपने 2000 रुपए पहले से ले रखे हैं, ओके, तो इसका डिस्काउंटिंग चार्ज बताओ कितना आएगा, सॉल्व करना है इसको एक बार। 1300 प्लस 2000 इंटू 400 डिवाइड बाई 6600, सॉल्व करो। तेरह सौ और 200, 1500, सॉरी 1300 और 2000 था, 200 रुपए। नहीं आया क्या समझ में, ये किसी को डाउट है तो जल्दी बताओ। 200 रुपए का, यानी वाई ने पेमेंट करी है टोटल 1500 रुपए की। इस एंट्री में किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं। इसका मतलब 7000 में से आपको 1500 रुपए पूरे मिल गए और 2000 पहले ही मिल चुके हैं भाई। अब हम 2000 रुपए वाई को देंगे थोड़ी, 7000 रुपए दे तो दिए, तो 2000 कट जाएंगे, 5000 एक्स्ट्रा गए, 5000 में से 1500 आ गए, 3500 रुपए और आने हैं अभी एक्स से, सॉरी वाई से, वाई से लेने हैं हमें, टू बी रिसीव, रिसीव करने हमें वाई से कितने रुपए, 3500 रुपए। देखो देने 2000 थे, मैंने दे दिए 7000 रुपए, 5000 रुपए एक्स्ट्रा दिए, कोई बात नहीं, 5000 एक्स्ट्रा दिए तो 1500 ले भी तो लिए उससे, तो 3500 रुपए अभी रह गए। आगे देखो क्या लिखा है, वाई ने डिस्काउंट करा लिया था टू एक्स बिफोर द बिल इज ड्यू पेमेंट, एक्स बिकम इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। लेटर 25 पैसा इन अ रुपीज रिसीव फ्रॉम रजिस्ट्री, 25% अमाउंट रिसीव हो जाएगा बस। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो यहां तक क्वेश्चन में, ठीक है, आ गया ना समझ में। देखो इसकी एंट्री एक बार देखो, प्रेजेंटेशन क्या कर रखी है इन्होंने, इन द बुक्स ऑफ एक्ट सबसे पहले बीआर बनाया 4000 का, डिस्काउंट करा लिया, 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, वाई को बिल दे दिया, ये वाली एंट्री 1300 रुपए हमें मिल गए, ठीक है। पुराना वाला बिल डिसऑनर्ड कर दो 7000, क्योंकि वो पेमेंट कर नहीं पाएगा, जब भी इंसॉल्वेंट होगा तो क्या कर देना है, डिसऑनर्ड कर देना है, ये एंट्री रह गई थी। डिसऑनर्ड करने के बाद कितने पैसे देगा वो, सिर्फ कितने पैसे की पेमेंट करेगा, 3500 में से कितना देगा, सिर्फ 25%, तो 3500 का 25% पेमेंट कर देना, बाकी डेफिशिएंसी लिख दो, पेमेंट करने वाले के लिए डेफिशिएंसी, रिसीव करने वाले के लिए बैड डेट्स। बताओ जी कोई दिक्कत है तो। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। देखो एग्जाम का क्वेश्चन, देखो एक एग्जाम का क्वेश्चन भी साथ के साथ देखते हैं। देखो सुरेश ड्रॉ अ बिल, ये क्वेश्चन है नवंबर 2020 का, ठीक है ना।
सुरेश ने एक बिल ड्रॉ करा 15,000 रुपए का अनुप के ऊपर 2020 का 3 मंथ्स के लिए, विच अनुप रिटर्न टू सुरेश आफ्टर एक्सेप्टिंग सेम दर गेट डिस्काउंट 14,700 में डिस्काउंट करा लिया। ठीक है, रेमिट द 1/3 अमाउंट उसको दिया है। ठीक है, तो 1/3 डिस्काउंट भी दे दिया हुआ। द ड्यू डेट सुरेश फेल हो गया पैसे देने में, पर ठीक है, पर उसने एक और बिल बना के दे दिया, कितने रुपए का, 17,500 रुपए का फॉर 3 मंथ, विच अनुप ने डिस्काउंट करा लिया कितने रुपए में, 17,100 रुपए में। ठीक है, एंड रेमिट 2825 टू सुरेश बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यू बिल, सुरेश बिकम इंसॉल्वेंट ओनली 250% वाज रियलाइज्ड फ्रॉम हिज स्टेट ऑन 31st October 2020। सेम वैसे ही क्वेश्चन है एज इट इज, 10 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन। कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो बताओ, ठीक है, बाकी तो डन। देखते हैं इसमें बुक्स किसकी बनानी है, हमें सुरेश की बनानी है। चलिए जी, सुरेश की बुक्स बनाते टाइम ध्यान रखें, देखें पहले एक बीआर आया हमारे पास, कहां से आया बीआर, बीआर डेबिट टू अनुप, अनुप से मैंने 15,000 रुपए उधार मांगे बीआर की फॉर्म में, ध्यान रखना। फिर मैं बैंक गया, इस बिल को डिस्काउंट करा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिट टू बीआर, अब आ गए पैसे अपने पास 14,700 रुपए, 300 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्ज लग गया होगा, राइट, 15,000 का बिल रिसीवेबल है। अब इसका अगर मैंने 1/3 अमाउंट अनुप को वापस कर दिया तो क्या एंट्री करोगे आप, अनुप डेबिट, कितने का बिल था, 15,000 का, 1/3 कितना होता है इसका, 5,000 रुपए टू बैंक, बैंक में और टू डिस्काउंट, डिस्काउंट भी तो देंगे, 300 का 1/3 कितना, 100 रुपए, यानी कि 4,900 रुपए ले ले भाई, 14,700 का 1/3, मैंने 1/3 उसको वापस कर दिया, तो कितना और रह गया बताओ, कितने रुपए और देने हैं अनुप को, सुरेश कितने रुपए और देगा फ्यूचर में अनुप को, 10,000 रुपए देने, इस बात को मैं अलग से लिख लेता हूं, जिस दिन 10,000 देने थे मैं नहीं दे पाया तो मैंने कहा भाई एक बिल ले लो मेरे से और तुम डिस्काउंट करा लो इस बार, अनुप को मैंने एक बिल दे दिया, मैं अलग एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पर साइड में, इधर ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखो अनुप डेबिट टू बिल्स पेबल, कितने का बिल दिया नया वाला, 17,500, 10,000 देने थे मैंने 17,500 रुपए दिए, जैसे ही मैंने 17,500 दिए अब 7,500 रुपए एक्स्ट्रा चले गए, समझ रहे हो, 7,500 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी मैंने उसको, कोई बात नहीं। अब वो बिल डिस्काउंट कराएगा कौन, अनुप, अनुप ने बिल को डिस्काउंट कराया होगा अपने पास, कितने रुपए में बिल डिस्काउंट कराया उसने, देखो इधर ये रहा, अनुप ने इस बिल को डिस्काउंट करा लिया 17,100 में, तो डिस्काउंटिंग चार्ज कितना लगा होगा बताओ, किसी को प्रॉब्लम है तो, अगर 17,500 वाला बिल डिस्काउंट हुआ 17,100 में, तो डिस्काउंटिंग चार्ज कितना, 400 रुपए, उसमें से कुछ पैसे अनुप ने फिर हमें वापस भेजे, हमारे पास पैसे वापस आए तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, हमें तो 7,500 लेने थे पर उसने देखो कितने कम पैसे भेजे हैं, सिर्फ कितने रुपए भेजे हैं, 2825, 2825 रुपए हमारे पास भेज दिए। मैंने कहा ठीक है, अब बताओ डिस्काउंटिंग चार्ज कौन बताएगा निकाल के, डिस्काउंटिंग चार्ज कितने रुपए लिखोगे यहां पर, फटाफट कैलकुलेट करो, ये पैसे आए हैं हमारे पास अनुप से, डिस्काउंटिंग चार्ज कैलकुलेट करके बताना एक बार कितना आएगा, जैसे मैंने कैलकुलेट करवाया था अभी, कैलकुलेट कर लो एक बार फिर बताना। सारे कर लिया करो ये कैलकुलेशन वगैरह जो भी है साथ के साथ,
नहीं आया किसी का भी? ओके चेक करते हैं, टोटल डिस्काउंट कितना है ये बताओ। 400 रुपए। अमाउंट रिसीव कितना हुआ? 17,100। इस पे क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि टोटल कितनी पेमेंट करी है। हमें तो ये बता दिया ना, 2825 दिया है, ये तो पेमेंट है, तो पेमेंट ये वाली भी ले लेंगे। 400 रुपए सपोज करो 17,100 का डिस्काउंट है, तो 2825 का कितना होगा? और ऑलरेडी हम उसके कितने पैसे यूज कर रहे हैं पहले से, इसको सॉल्व करो, आप बताओ कितना आ गया। पुरानी वाली लाइबिलिटी भी लिखनी है आपको। 2,825 रुपए तो अभी मिले, आपने 10,000 तो एडवांस ले रखे हैं, वो भी तो काटेगा इसमें से, वो काटेगा तो उसका डिस्काउंटिंग चार्ज भी लेगा। हमने उसके पैसे नहीं दिए तो वो उसका डिस्काउंटिंग चार्ज हमें देना पड़ेगा, बताओ कितना। या दिस इज करेक्ट नाउ, यानी कि टोटल पेमेंट हो जाएगी 28 और 3, 3125, 3125 रुपए। अब देखो इन फ्यूचर कितनी लाइबिलिटी बची, 17,500 में से तो 10,000 पुराने कट जाएंगे, 7,500 बच गए। 7,500 में से अनुप ने कितने रुपए वापस कर दिया हमें? 3,125। अगर 7,500 में से 3,125 रुपए वापस हो गए तो कितने रह गए? 4,375 रुपए। ठीक है, अब इस पे डिस्काउंट बैड डेट्स कितने परसेंट हो जाएगा ये देखो, इधर 50%, तो 50% बैड डेट हो जाएगा फ्यूचर में इसका। 50% कर लो 2187.5। ठीक है, ये क्वेश्चन कब का था? ये क्वेश्चन उठाया था नवंबर 2020 का। इसका बैड डेट एक बार चेक कर लेते हैं, 2020 था ना, 2020। ओके, इनका बैड डेट्स भी एक बार चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं। डेफिशिएंसी तो कुछ और आ रही है, एक मिनट। अच्छा ठीक है, इस बार पैसे देने थे ना, लेने नहीं थे, इसलिए गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, एक मिनट। अनुप ठीक है, बिल्स पेबल डिस्काउंटिंग चार्जेस भी आपका ठीक है, 300 रुपए, पहले के 10,000 रुपए देने थे, 3,125 ऐड हो जाएंगे ना, वो मैंने लेस कर दिए थे। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। 10,000 ये ऐड होंगे जो मैंने लेस कर दिया था, ऐड करना था ये उसमें रह गया था। 10,000 जो पुरानी लाइबिलिटी रह रही थी और 3,100 नई, 3,125 रुपए, तो दोनों लाइबिलिटी है ना, तो लाइबिलिटी लाइबिलिटी ऐड हो जाएगी। तो 10,000 पेंडिंग अमाउंट, 3125 न्यू अमाउंट, टोटल टोटल कितना हो गया? 13,125 रुपए देने हैं हमने, 50% दे देंगे, बाकी लॉस हो जाएगा खत्म। अब हमारे लिए तो डेफिशिएंसी हो जाएगा, हमें किसी के पैसे देने थे हमने दिए नहीं। कितने रुपए? 6,562 रुपीज, 6,562 रुपए जो हमें पे करने थे वो हमने पे नहीं किए, ठीक है ना? बताओ कोई दिक्कत है तो 6,562.50 में। इंसॉल्वेंसी के केस में दोनों लाइबिलिटी है, 10,000 की पुरानी लाइबिलिटी, 3,125 की और लाइबिलिटी, दोनों लाइबिलिटी मिला के 13,125 का आधा पैसा हमने दे दिया, आधा नहीं दिया, ठीक है? तो ये गड़बड़ कर दी थी लेस करके, 10,000 में से वो लेस करके, 10,000 पुराना पेंडिंग था और 3,125, टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 13,125 रुपए, इसका कितना? 50%,
50% क्या हो जाएगा हमारा बैड डेट्स, ओ सॉरी उसके लिए बैड डेट हो जाएगा अनुप के लिए, फोर अनुप, अनुप के लिए बैड डेट हो जाएगा, हमारे लिए डेफिशिएंसी हो जाएगा। हमने किसी का बिल तो एक्सेप्ट कर लिया, देखो बिल कितने का एक्सेप्ट किया हमने, 17,500 रुपए का। अगर आपने बिल एक्सेप्ट किया है इसका मतलब आप बिल पे भी करोगे, बट आप इंसॉल्वेंट हो गए तो आप ये पैसे दे थोड़ी पाओगे, 17,500 आप कहां से दोगे। तो आपके ऊपर पहले वाली लाइबिलिटी तो थी ही 10,000 रुपए की, 10,000 में से 17,500 में से बाकी पैसे तो उसी पर्सन ने यूज करे, किसने, अनुप ने। हमें कितने दिए उसने, सिर्फ 3,125। तो हमारे ऊपर और लाइबिलिटी कितनी आ गई 3,125 की। अगर हम ये बिल पे कर देते फिर तो बात अलग थी। हमने किसी को बिल्स पेबल दिया, अनुप डेबिट टू बिल्स पेबल, फ्यूचर में एक एंट्री और होनी होती है, कौन सी एंट्री, बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक, ये पे भी तो करना पड़ता है 17,125, पर हम ये पे नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। तो इन फ्यूचर इसकी पेमेंट भी किसको करनी पड़ेगी, अनुप को ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये पैसे एक्चुअल में हमने उसको दिए ही नहीं 17,500, क्योंकि बिल्स पेबल तो डिसऑनर्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो। ठीक है, पुराने पैसे कितने देने थे 10,000, मैंने उससे और कितने ले लिए, दिए नहीं कुछ भी, और ले लिए कितने रुपए, 3,125। ठीक है, बताओ कुछ कंफ्यूजन अगर कंसेप्ट में रह गई है तो बताओ, बाकी अकोमोडेशन में अब कुछ भी नहीं है कराने के लिए, इतना ही था। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आ गया सारा समझ में, आ गया तो अच्छी बात है फिर तो। हाँ बताओ, नहीं देखो वो तो क्वेश्चन, यहाँ पर दो पार्टी है, कौन कौन है, एक मिनट, अनुप एंड सुरेश। ठीक है, देखिए एक्चुअल में दो पार्टी है, सुरेश है और कौन है, अनुप है। कंसेप्ट को समझो, यहां पर मैंने अनुप से एक बीआर मंगाया, पहले वाला बिल कितने का था, बीआर डेबिट टू अनुप, फर्स्ट वाला बिल कितने का था, 15,000 रुपए का था। अगर एक्चुअल में सेल नहीं हुई है इसका मतलब मैंने किसी से उधार मांगे 15,000 रुपए, तो मैं वापस भी तो करूंगा उसको, क्योंकि इस बिल को मैं क्या कराऊंगा, बैंक से डिस्काउंट कराऊंगा, बैंक से क्या कराऊंगा, डिस्काउंट। ये बताओ बैंक वाले 3 महीने तक वेट करेंगे, उसके बाद पैसे किससे मांगेंगे, बैंक वाले अनुप से मांगेंगे ना, यस, क्योंकि इसके लिए बिल्स पेबल है और ये बिल्स पेबल को पे कर देगा, ये इंस्टॉलमेंट थोड़ी है, ये एंट्री करेगा बीपी डेबिट टू बैंक। अनुप ने बैंक वालों को कितने रुपए दे दिए, 15,000 रुपए पूरे दे दिए, पर अनुप ये भी तो बोलेगा सुरेश से, सुरेश भाई हमारे पैसे वापस भी तो कर दो 15,000, तभी तो ये देगा बैंक वालों को, क्योंकि सारा पैसा इसने यूज किया। अगर सारा इसने यूज नहीं करा, कुछ पैसा इसको दे दिया, तो डिस्काउंटिंग चार्ज ये भी बियर करेगा, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ था। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या हुआ था, हमने 15,000 का बिल डिस्काउंट कराया, 14,700 में से 300 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्ज लगा, हमने कुछ पैसे अनुप को दे दिए उसी टाइम, तो उसका डिस्काउंटिंग चार्ज भी अनुप बियर करेगा, नो प्रॉब्लम। 10,000 रुपए का कर्जा हमारे ऊपर रह गया, हम बाद में दे देंगे। और जिस दिन ड्यू डेट आई, मैंने अनुप को पेमेंट नहीं कर पाया, अनुप को पेमेंट नहीं कर पाए तो क्या करोगे आप, यहां से कहानी खत्म, पुराने बिल की कहानी खत्म, न्यू बिल पे आ जाओ। इसके लिए अब बिल्स पेबल है, कितने का बिल्स पेबल था, 17,500 रुपए का, किसको दे दिया हमने, अनुप को। अब डिस्काउंट कौन कराएगा ये बताओ, अनुप कराएगा, ओके, इसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, 17,100 रुपए में 400 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्ज लग गया और बाकी बीआर चला गया इसके पास, राइट। कंसेप्ट को ध्यान से सुनना, क्या सुरेश पैसे दे देगा इस बिल्स पेबल के, 3 महीने बाद बैंक वाले आएंगे इसके पास, जब बैंक वाले इसके पास आएंगे क्या ये बिल पेबल के पैसे दे देगा, क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो चुका है, नहीं दे पाएगा। तो ये पेमेंट भी किसको करनी पड़ेगी, अनुप को ही, अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा, ये बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड। 10,000 रुपए मैंने पुराने ले रखे हैं और कितने ले लिए इससे, 3,125 और ले लिए थे, देखो ये, देखो ये एंट्री थी 3,125
25। अब आ गया समझ में पूरा कंसेप्ट क्लियर। 10,000 रुपए आपके ऊपर पहले से ही कट जाए, आपने नया बिल देके और ले लिया 3,125 रुपए, बीपी देके भी पैसा ले लिया क्योंकि आप बिल्स पेबल के पैसे तो दोगे नहीं, बिल पेबल दे दिया खाली, 3 महीने बाद इंस्टॉलमेंट है। अगर ये बिल्स पेबल के पैसे दे देता पूरे 17,500 बैंक वाले को तो ये वाला कंसेप्ट ही नहीं आता। फिर तो ऐसा होता, देखो फिर कैसा होता समझो, मैंने बिल कितने का दिया नया वाला 17,500 का, पुरानी लाइबिलिटी कट कितनी गई 10,000 रुपए, तो मैं कहूंगा 7,500 रुपए एक्स्ट्रा चले गए। एक्स्ट्रा तो तब चले गए, एक्स्ट्रा तो तब जाते ना जब हम ये पेमेंट करते बैंक वालों को, पेमेंट तो हमने करी नहीं। ये पेमेंट भी किसने करी? अनुप ने करी। तो ये 17,500 अगर अनुप ने ही पेमेंट करनी है तो अनुप ही रख ले फिर, ये सारे पैसे उसी के ही है। अनुप ने इसमें से कुछ पैसे हमें दे दिए थे, कितने रुपए हमें दे दिए थे? 3,125 रुपए, ठीक है, इसलिए वो ऐड हो गया। हाँ आप बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, आ गया ना समझ में अब? चलिए ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो पूछें।